पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 17वीं किस्त 18 जून 2024 को पहुंच चुकी है। सरकार डीबीटी के माध्यम से देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि जमा करा दी गई है। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को वाराणसी से रिमोट का बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जमा करा दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत जरूरतमंद किसानों को 6000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक योजना की 16 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में जा चुका है। बता दें कि पीएम ने तीसरी बार पीएम की शपथ के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि किसानों को जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जा सके। केंद्र सरकार ने ठाना है पीएम किसान योजना का लाभ 100% पात्र किसानों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण वाराणसी से किया गया। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त पाने के लिए पात्र किसान अपना ईकेवाईसी जरूर करें। इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिनका ईकेवाईसी पूरा है। जिन किसानों ने ईकेवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन नहीं किया है, उनकी किस्त रुक सकती है। अगर आप भी पीएम किसान योजना लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द आवेदन करें। पीएम किसान से जुड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और वेबसाइट पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें। जारी रखने के लिए अपनी भाषा चुनें। आप शहरी क्षेत्र के किसान हैं तो अर्बन, और ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। अपने आधार नंबर, फोन नंबर और राज्य को सिलेक्ट करें। फिर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद गेट ओटीपी पर जाकर सबमिट करें। इसके बाद अगर पोर्टल में आपसे संबंधित कोई जानकारी नहीं पाई जाती है, तो पेज में विकल्प आता है कि क्या आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर किसान खुद का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो हाँ के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, साथ ही बैंक डिटेल भरनी होगी। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पेज में जो भी निर्देश दिए गए होंगे, उन निर्देशों का पालन करते हुए किसान अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इस योजना में किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 011 233 8109 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं pmkisan.istgov.in पर मेल भी कर सकते हैं।